नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दलील न्यूज। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर मराठा कम्युनिटी का सर्वे मंगलवार को ठाणे से शुरू कर दिया गया। राज्य के करीब 4250 कर्मचारियों को इस सर्वे का काम सौंपा गया है। राज्य पिछड़ा आयोग 23 से 31 जनवरी तक इस सर्वे को पूरा करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 20 जनवरी को कहा था कि इस सर्वे से पता चलेगा कि मराठा कम्युनिटी के लोग किस स्तर पर सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। इधर एक तरफ सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पुणे से मुंबई की ओर पदयात्रा लेकर बढ़ रहे हैं। पदयात्रा के चौथे दिन जरांगे ने कहा वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। वो राज्य के मराठाओं को कुणबी समाज में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इससे मराठा कम्युनिटी ओबीसी समाज में शामिल हो जाएगी और उसको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि मनोज जरांगे की पदयात्रा 26 जनवरी के दिन मुंबई पहुंचेगी, जहां आजाद मैदान या शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करेगी। वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे का कहना है कि अगर सरकार उनके आंदोलन को अनदेखा करेगी तो वो वहां भूख हड़ताल करेंगे। हालांकि यहां पर एक बात गौर करने लायक है कि इस आंदोलन ने बहुत ही कम समय में लोगों की नजर में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि पिछली बार मनोज जरांगे ने ये यात्रा शुरू की थी, जिसमें कुल 29 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे ये आंदोलन खत्म करने की बात कही थी और साथ ही सर्वे का आश्वासन भी दिया था। अब देखना ये है कि 26 जनवरी से पहले सरकार क्या करती है, क्या जरांगे का आंदोलन आगे बढ़ेगा या सरकार बैकफुट पर आकर मराठा आरक्षण को ओबीसी की तरह ही लागू कर देगी। कैमरामैन सुमित के साथ अंशुमान, दिल्ली न्यूज, लखनऊ।